गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे और सभी की PDF फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पाई शुरू, धरी रह गई सभी तैयारियां। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होने थे, तो प्रदेश में दोस्तों देख सकते हैं लगभग 51,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तैयारियां धरी की धरी रह गई। बृहस्पतिवार से दोस्तों इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए जाने थे, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया को शुरू करने में 10 दिन या उससे अधिक का समय लग सकता है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने दावा किया है कि फॉर्म भरने जाने की तारीख भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन परीक्षा तय समय पर ही कराई जाएगी, ये आप देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन GP शर्मा ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के चलते सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, जल्दी समस्या को दूर कर लिया जाएगा और फिर विस्तृत शेड्यूल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की कर नई तिथि बताई जाएगी। नई तारीख घोषित होने में अभी कितना समय लगेगा इस बारे में शर्मा ने बताया कि NIC जैसे ही उन्हें हरी झंडी देगा वैसे ही वह विस्तृत कार्यक्रम जारी कर देंगे। सूत्रों का दोस्तों कहना है कि NIC को फॉर्म लेने में फिलहाल जो दिक्कत आ रही है उसमें जिन अभ्यर्थियों को आयु वर्ग में छूट की कट ऑफ लिस्ट तैयार करने में दिक्कत आ रही है, बोर्ड के सामने परेशानी यह है कि उसने न्यायालय में वादा किया था कि 1 जुलाई 2017 को पात्र अभ्यर्थी को भी इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। कि नियमावली में साफ लिखा है कि भर्ती का विज्ञापन जिस वर्ष में निकाला गया है उस वर्ष की 1 जुलाई 2017 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर भी उसी नियमावली के तहत तैयार कराए गए थे जो 1 जुलाई 2017 के अभ्यर्थियों को पात्र मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह 10 या उससे अधिक दिन में डेट आ जाएगी और आप इस अनुसार फॉर्म भी भर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए मेहमानों से विनती चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।